पूरे विश्वभर में अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 17,80,000 से ज़्यादा पहुंच चुकी है और वहीं मरने वालों की संख्या 1,08,000 से ज़्यादा पहुंच चुकी है। वहीं सबसे ज़्यादा मरने वाले की संख्या या संक्रमित लोगों की संख्या देखें तो अमेरिका में अभी तक सबसे ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, यहाँ पर 5,30,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 20,500 से ज़्यादा यहाँ पर मौतें हो चुकी हैं। और ऐसा नहीं है कि रिकवर नहीं हो रहा है, रिकवर भी हो रहा है, यहाँ पर 30,000 से ज़्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। और वहीं भारत की बात की जाए तो अभी तक संक्रमित लोगों की संख्या 8,400 से ज़्यादा पहुँच चुकी है और मरने वालों की संख्या यहाँ पर 289 है। यहाँ पर भी रिकवर जो हुए हैं, जो घर बिल्कुल ठीक होकर जा चुके हैं, वो भी 972 लोगों से ज़्यादा रिकवर हो चुके हैं, ये बिल्कुल ठीक होकर जा चुके हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने 21 दिन का लॉकडाउन किया है। इस 21 दिन के लॉकडाउन में अभी लास्ट चरण ही चल रहा है, बस अंतिम उसमें है 21 दिन का लॉकडाउन ख़त्म होने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी तक जो लॉकडाउन है वो बढ़ेगा नहीं, वो बढ़ेगा, बहुत ज़रूरी है लॉकडाउन का बढ़ना, क्योंकि यहाँ पर संक्रमित लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रकाश और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। तो 21 दिन के जो लॉकडाउन किया था उसमें जो मरने वालों की संख्या कम तो है और अदर कंट्री की अपेक्षा, लेकिन बढ़ी हुई है, बढ़ रही है, क्योंकि इसको बढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा। और गवर्नमेंट जो फैसला ले रही है वो बहुत अच्छा है। सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर पर रहें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो 21 दिन का लॉकडाउन है और उसके बाद में जितने दिन का भी लॉकडाउन किया जाएगा उससे कोरोना वायरस मर जाएगा या संक्रमित लोगों की संख्या उसके बाद नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि 21 दिन के लॉकडाउन के बाद या उसके बाद में भी कोरोना वायरस नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। जब से वह चीन के वुहान शहर से ये कोरोना वायरस आया है तब से हम सब आप डरे हुए हैं, हमारे दिमाग में बस डर ही डर है। न्यूज़ चैनल पर हम बस कोरोना कोरोना कोरोना, सोशल मीडिया पर बस कोरोना, एक ही चीज़ सुन रहे हैं, बस कोरोना वायरस, COVID-19 डिसीज़। जो व्यक्ति पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जिनको कभी लिखना भी नहीं आता, वो भी इस कोरोना वायरस को सुन सुन के देख देख के वो लिखना सीख गए कि कोरोना वायरस किस तरह से लिखा जाता है। तो कोरोना वायरस हमें हमारे दिमाग से भी हटाना है, हमारे शरीर से भी हटाना है और हमें इस भारत से लड़कर भगाना है कोरोना वायरस को। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। यदि लॉकडाउन के बाद भी कोरोना वायरस नहीं गया तो हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरह से इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा या फिर यहाँ से भाग जाएगा। यदि 21 दिन के बाद भी लॉकडाउन किया जाता है या उसके बाद में लोग बाग घर से बाहर निकलते हैं तो हम किस तरह से इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। इससे बचने के केवल 3 ही उपाय हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको एक एक करके। अगर उसको आप नियम कायदे से मानेंगे चलेंगे तो बिल्कुल कोरोना वायरस आप तक नहीं पहुँचेगा और कोरोना वायरस भाग जाएगा। सबसे मेन चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग, जो गवर्नमेंट भी आपसे कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूर रहें, व्यक्तियों से ना मिलें। गवर्नमेंट आपको घर घर जाकर नहीं बताएगी कि आपको किस तरह से इस कोरोना वायरस को भगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। जब से ही आपसे लगी हुई गवर्नमेंट आपसे बोल रही है, पूरे कर्मचारी आपसे बता रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, जब आप एक दूसरे के संपर्क में ही नहीं आएंगे तो आपको कोरोना वायरस होने का खतरा नहीं रहेगा। नंबर 2 सबसे मेन चीज़ है इम्यूनिटी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी तो आपको कोरोना वायरस का किसी भी वायरस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़रूरी है। आपकी इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है तो आपको किसी भी जो छोटा मोटा वायरस है वो भी आपको संक्रमित कर सकता है, इसलिए आपकी इम्यूनिटी बढ़ाना है आपके लिए। अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है या आप इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं तो आप किसी भी कोरोना वायरस से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए नंबर 2 पे आप इम्यूनिटी का ज़रूर ख्याल रखें, आप सही लिक्विड ज़्यादा लें, यदि आप इम्यूनिटी बढ़ाना तो लिक्विड ज़्यादा लें, आप विटामिन सी का ज़्यादा यूज़ करें। विटामिन सी में जैसे आप नींबू का यूज़ कर सकते हैं, संतरे का यूज़, मौसम्बी का यूज़ कर सकते हैं, आप वी का यूज़ कर सकते हैं,
और आप कुछ जो फ्रूट नट फ्रूट होते हैं जैसे कि काजू बादाम पिस्ता वगैरह जो होते हैं वो भी आप दिन में ले सकते हैं। आपको किसी भी तरह की ऐसी चीज़ नहीं लेना जो रखी हुई चीज़ होती है उसका यूज़ नहीं करना है आपको। तो इस तरह से आप जो इम्यूनिटी पावर है खाने में तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी मेन चीज़ है आप विटामिन डी की भी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए आपके शरीर में, क्योंकि आप विटामिन डी नहीं ले पा रहे हैं जिससे आपके जो रोगों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और जबकि विटामिन जो होती है वो आपको फ्री में मिल रही है, आपको ज़रूरी नहीं है पैसे लगा कर आप उसको यूज़ करें। दिन में हफ्ते में यदि एक घंटे भी आप धूप में बैठते हैं तो आपको विटामिन डी की पूर्ति पूरे हफ्ते भर के लिए कंप्लीट हो जाएगी। तो आप विटामिन डी का भी ध्यान रखें, नियमित तौर पे आप एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें और आप योग ज़रूर करें। योग से भी आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, आपकी इम्यूनिटी, आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी और पावर बढ़ाने के लिए जो योग में जो शक्ति है वो किसी और में नहीं है। यदि आप योगा करेंगे तो आपको इम्यूनिटी वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आपकी इम्यूनिटी पावर वैसे भी बढ़ी जाएगी। थर्ड अगर हम बात करें तो हर्ड इम्यूनिटी यानी कि जो झुंड, जिसका नाम सुना होगा हर्ड झुंड। जब से कोरोना वायरस आया तब से हर्ड इम्यूनिटी के बारे में भी आप सुन रहे होंगे, बहुत ज़्यादा चर्चा में। हर्ड इम्यूनिटी उसे बोलते हैं जब, जैसे मान लीजिए मुझे कोरोना वायरस हो गया, मैं कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया, तो मेरी इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी है, तो मैं इस कोरोना वायरस से नाक छींक करके और सर्दी जुकाम कर आके, या मान लो हुआ भी नहीं मुझे ये सब चीज़ और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, इसके बाद यदि, पहली बात तो मुझे ये कोरोना वायरस होगा ही नहीं, और यदि आप मुझे कोरोना वायरस होता है तो मैं किसी और बंदे को इस कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी जो है ना, प्रतिरोधक क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उस कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता मेरे अंदर बढ़ चुकी है। डबल से पहली बात वो आया तो मुझे पता है कि उस कोरोना वायरस को किस तरह से मुझे लड़कर भगाना है और मैं उसको भगा दूंगा। इसके बाद में मैं अगर किसी के संपर्क में आया तो उस बंदे को भी कोरोना वायरस नहीं होगा। मान लो हो भी गया मुझे तो मैं उस बंदे के संपर्क में आया तो उसको कोरोना वायरस नहीं होगा। इस तरह से यदि मैं अकेला बंदा हूँ, मैं दो व्यक्तियों को संक्रमित करूँगा तो वो संक्रमित हो जाएंगे, और यदि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो वो भी उस चीज़ से लड़ लेंगे और उनको भी कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा। लेकिन वो चार जो दो बंदे हैं वो चार लोगों को संक्रमित करेंगे तो वो उन चारों को संक्रमित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे द्वारा उनकी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ चुकी है, और वो एक कितने ही बड़े झुंड को संक्रमित भी करेंगे ना तो कोई भी बंदा उस कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ लॉकडाउन क्यों किया गया है। लॉकडाउन इसलिए किया गया है यदि मुझे कोरोना वायरस होता है तो मैं चार लोगों को, यदि मैं घर में रहा तो मुझे कोरोना वायरस जैसा भी है वो ठीक ठाक हो जाएगा, या फिर मैं ज़्यादा संक्रमित होऊंगा या फिर कम संक्रमित होकर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। लेकिन यदि मैं किसी के संपर्क में आया, मैं सब्ज़ी लेने चला गया या फिर मैं दूध लेने चला गया या फिर मैं किसी से संपर्क में आ गया तो मुझे जो कोरोना वायरस हुआ, मैं जितने लोगों से मिलूंगा, हो सकता है मैं दिन में 40 लोगों से मिलूं तो वो 40 लोग मेरे द्वारा संक्रमित हो जाएंगे और उनको संक्रमित होना ही है। और यदि मैं घर पर रहा, मुझे कोरोना वायरस हुआ, मैं घर पर हुआ, मैंने लॉकडाउन का पालन किया, मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया तो मुझे कोरोना वायरस तो हुआ लेकिन मैं 40 लोगों को मैं बचा लूँगा। मेरा मतलब ये है आप अपने लिए नहीं, आप दूसरों के लिए लॉकडाउन का पालन करें। यदि एक दिन से लेकर अगर आप 14 दिन के अंदर अगर आप को कोरोना वायरस है नहीं है, और यदि आप एक दिन से लेकर 14 दिन तक आप कमरे में रहते हैं, लॉकडाउन का पालन करते हैं, तो आप तो बचेंगे ही, साथ में वो 40 लोगों को बचाएंगे और 40 वो 4000 लोगों को बचाएंगे। तो लॉकडाउन
का मतलब केवल ये नहीं है कि खुद को बचना है, आप इसके द्वारा एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, धर्म का काम कर सकते हैं, आप अपने प्रति लोगों के लिए जागरूकता दे सकते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, पूरे समाज से मोहब्बत करते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं उससे मोहब्बत करते हैं और पूरे भारतवर्ष से आप मोहब्बत करते हैं, तो उनको आप बचा सकते हैं। केवल एक बंदा ये संक्रमण को रोक सकता है, इसीलिए आपसे गवर्नमेंट हाथ जोड़कर बोल रही है कि प्लीज़ लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कि आप और आपके परिवार खुश रहे और स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन कुछ लोग अभी भी कहना नहीं मान रहे हैं, घर से घूम रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा था, वो इटली का वीडियो था, उसमें ये बताया था वो बंदे ने कि उन्हीं लोगों को ये संक्रमण हुआ है और वो ही लोग मर रहे हैं, बता रहा था वो भैया कि जो बिल्डिंगें हैं उसके बगल में, वहाँ से बदबू आने लगी, इतना ज़्यादा संक्रमण बढ़ गया वहाँ पर कि जो मिलिट्री वाले हैं बॉडी को नहीं उठा पा रहे हैं और बदबू बिल्डिंगों में से बदबू आने लगी है। और बताया उसने कि वही लोग हैं जो फालतू घूमने निकलते थे, जो कुत्ते को घुमाने निकलते थे, जो पान गुटखा सिगरेट पीने के लिए निकलते थे और बिना मतलब के जो सड़कों पर बैठते थे, वही लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और उन्हीं की डेथ हुई है। तो आप गवर्नमेंट की बात मानिए, यदि गवर्नमेंट कहती है कि 21 दिन के बाद भी लॉकडाउन किया जाएगा तो बिल्कुल आप उसका कहना मानिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो सब सुरक्षित रहेंगे। आप यदि किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसे चाहते हैं, तो आप इसी तरह से उसको बचा सकते हैं। प्लीज़ लॉकडाउन का पालन ज़रूर करें, गवर्नमेंट कह रही है उसका ध्यान दें और आप सुरक्षित रहें और आपके परिवार को सुरक्षित रखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें। शेयर बिल्कुल नहीं करते हैं आप, क्योंकि शेयर करेंगे तो ही और लोगों को इस तरह की जानकारी मिल सकेगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि हेल्थ से संबंधित वाले वीडियो आगे भी आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।